हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दिल छत्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूर्स एंड ट्रेवल ब्लॉग पे आपको स्वागत है। इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेडिशनल वे हाउ टू फिशिंग कैसे किया जाता है, आज मैं वही दिखाऊंगा। और मेरा मामा जी यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, देखिए मैं अभी उसको दिखाऊंगा फिशिंग कैसे करते हैं। आज का वीडियो यही है कि फिशिंग हम लोग करेंगे, तो मैं बैक कैमरा से मैं दिखाऊंगा इधर, तो देखिए कितनी फिश मिलता है वो भी मैं दिखाऊंगा। चलिए अब ये देखिए, ये मेरा मामा जी, ये ऐसा जगह रहता है, देखिए ड्रेन कहा जाता है ड्रेन को, और यहाँ पे वो शायद मच्छी मिलता है, तो यहाँ पे मच्छी मिलेगा। ड्रेन इधर इधर है, यहाँ पे पानी ड्रेन है जो खेती करने के लिए वो ड्रेन बनाया है ऑलरेडी, बहुत ओल्ड है। तो आज में हम लोग फिशिंग करेंगे इसमें, और मैं इधर भी दिखाऊंगा मामा लोग का इधर पॉन्ड है, शायद बहुत बड़ी पॉन्ड है, और यहाँ पे मेरा भैया वो फिश के लिए चारा डाल रहे हैं। तो देखिए पीछे चल रहे हैं फिश सामने ही, देखिए बहुत बड़ी पॉन्ड है, तालाब भी तालाब है ये, देखिए एक फिश मिला है, एक फिश मिला है मेरे को। तो बारिश आ गया तो मैं दिखा रहा हूँ, बारिश आ गया इधर, ये बारिश आ गया है। अब यहाँ फिश हम लोग पकड़ नहीं सकते, जब वो एक फिश मिला वो भाग के आया मैं इधर। ये देखिए फिश, एक फिश मिला। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हम लोग फिशिंग किया था वहाँ पे ये चार बड़ी मछली और दो छोटी मछली और एक ये मिला है। तो ट्रेडिशनल वे ऐसी फिशिंग किया जाता है यहाँ पे, और ये गोरई मांस कहा जाता है, और ये पुटी मांस और काबुई मांस। तो वहाँ पे फिशिंग करने के बाद यही मिला है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे इसी तरह छोटी वीडियो पे। मैं आसाम पे आया हूँ, तो हम लोग कैसे फिशिंग किया जाता है सब कुछ ट्रेडिशनल वे और कैसे कैसे होता है वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लव यू ऑल।